हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. रियल एनालिसिस में अगर हम स्टार्टिंग से वीडियोस की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेज थ्योरम और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, और उसके बाद रीमैन इंटीग्रेशन. जो लास्ट सीरीज हमने करी थी वो थी रीमैन इंटीग्रेशन की. तो रियल एनालिसिस में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अलग अलग एकेडमिक से लेकर के, इलेवेंथ से लेकर के एमएससी, गेट, नेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे टॉपिक्स में जो रियल एनालिसिस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हम रियल में जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास को फोकस करके हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके 11th, 12th में यूज़ होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में यूज़ होंगे, कुछ सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और कुछ हायर एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यूज़ होंगे. तो मैं जो रियल एनालिसिस है कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स रियल से रिलेटेड हैं वो सारे टॉपिक्स हम ऑलमोस्ट कवर कर लें. तो आज से जो नई वीडियो की सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर गया हूँ, अब हम रियल में स्टार्टिंग से टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इसको करते रहेंगे. इसके बाद हम सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट, इनफाइनाइट सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी हैं रियल एनालिसिस में जो एक पर्टिकुलर क्लास, फिर मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर क्लास को फोकस करके हम ये वीडियोस रियल के नहीं बना रहे हैं. तो कुछ हायर एजुकेशन में आपके यूज़ होंगे, कुछ यूजी, कुछ पीजी, कुछ एकेडमिक्स में यूज़ होंगे. तो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में आज के जो शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने लिखे हुए हैं ये, इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, और कुछ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से हम उनको रिपीट करने जा रहे हैं. तो इंटरवल्स, पहला टॉपिक है इंटरवल, फिर लेंथ ऑफ एन इंटरवल, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट और डिलेटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट. रियल एनालिसिस में काफ़ी टर्म्स हम ये यूज़ भी कर चुके हैं, तो फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इनको. इंटरवल का काफ़ी हमने यूज़ किया था, रिफाइनमेंट, पार्टीशन वगैरह हमने सब पढ़ लिया है उसमें. लेंथ ऑफ इंटरवल का भी हमने यूज़ किया था, डेल एक्स आर से उसको डिनोट किया था रीमैन इंटीग्रेशन में, आपको याद होगा. नेबरहुड और डिलेटेड नेबरहुड इसको हम बाद में पढ़ देंगे, ये पहले इन दोनों पे फोकस करते हैं. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है. तो इंटरवल्स की बात करें तो इंटरवल्स क्या होता है, अगर मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कोई भी एक रियल नंबर हमने 2 ले लिया और 2 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर होगा, अगर आपसे पूछा जाए, कंसेप्ट को पहले इंटरवल के समझते हैं कि इंटरवल क्यों यूज होता है. 2 के जस्ट बाद अगर आपसे कोई भी एक रियल नंबर आपसे पूछा जाए तो आप वो रियल नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 2.1 बोला तो मैं 2.1 से पहले 2.01 भी लिख सकता हूँ, अगर आप 2.01 बोलते हैं तो मैं 2.001 लिख सकता हूँ. तो कोई भी एक रियल नंबर के बाद जस्ट अगला रियल नंबर, कंसेक्यूटिव रियल नंबर आपको बताना है तो वो रियल नंबर आप नहीं बता सकते हो. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एक x जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो दो रियल नंबर्स हैं, इन दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं. तो हर एक नंबर को हम लिख नहीं सकते हैं. अगर आप उसको, आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में दो फॉर्म्स होती हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक रोस्टर फॉर्म होती है. तो इन फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इन फॉर्म्स में आपने पढ़ा होगा रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें x 2 और 3, इसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 2 के बाद अगला कौन सा रियल नंबर होगा हम नहीं बता सकते हैं. ऐसे 3, तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स को लिखने के लिए आपको इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2, 3 और ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं. स्मॉल ब्रैकेट अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ओपन इंटरवल है. और अगर आप इसी x को हम बोलें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2, 3 का क्लोज इंटरवल. ये क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं और ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पहले पढ़ा भी होगा. तो ये बेसिक है इंटरवल का, कि इंटरवल का कंसेप्ट क्यों यूज़ हुआ, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. जब आप रियल नंबर्स, कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो तब हम उसमें इंटरवल का यूज़ करते हैं. तो ये तो बात हो गई इंटरवल की. अब दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करें
टू कॉमा थ्री का ये जो इंटरवल्स हैं, ये नंबर्स जो हैं फाइनाइट नंबर्स हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों नंबर्स जो आपने दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स जो आपने लिए, अगर वो फाइनाइट हैं तो वो उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट इंटरवल। अगर उन दोनों पॉइंट्स में एक पॉइंट भी इनफाइनाइट बन जाता है, अगर इनफाइनाइट थ्री कॉमा इनफाइनाइट है, तो इस केस में इस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक पॉइंट आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इनफाइनाइट अगर किसी भी इंटरवल में आ रहा है तो उस केस में इनफाइनाइट के साइड हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ होता है, क्लोज इंटरवल यूज़ नहीं होता है। क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वो नंबर फाइनाइट नहीं है। तो किसी भी नंबर को अगर वो इनफाइनाइट है तो उस केस में अगर आप इंटरवल का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा स्मॉल यानी कि ओपन इंटरवल का यूज़ होगा। तो ये तो बात हो गई इंटरवल्स की, और फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स की हमने बात करी। अब जैसे दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक इंटरवल मैंने ले लिया 2 और 2.5, तो इसके बीच की जो लेंथ है उसको कैसे निकालेंगे हम, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, 0.5 आएगा। तो ये 0.5 इस इंटरवल की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। रीमन इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ किया था, डेल एक्स आर सर ने इसको डिनोट किया था, जनरल जो आर एथ सब इंटरवल की लेंथ आ रही थी। तो ये आप वहाँ उन वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इंटरवल्स और लेंथ ऑफ एन इंटरवल की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल में, जो बहुत कन्फ्यूज़ करता है, वो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पॉइंट की बात है, तो एक पॉइंट मैंने ले लिया 2, और अगर हमको ये एक इंटरवल दे दिया, अलग से एक इंटरवल मुझे दिया है 1.3, तो 1 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से आप समझिएगा, एक इंटरवल आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, इंटरवल आपको क्या दिया 1.3 का। आपको चेक करना है कि क्या ये 1.3 इस पॉइंट 2 का नेबरहुड है या नहीं। नेबरहुड को हम शॉर्ट फॉर्म में NBD या फिर NHD इससे डिनोट करते हैं। तो हमको चेक करना है कि क्या ये ओपन इंटरवल 2 का नेबरहुड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या ये 1.3 जो इंटरवल आपको दिया है, ये जो इंटरवल 1.3 आपको ओपन इंटरवल दिया है, क्या इसको N मान लेते हैं, क्या इसके अंदर कोई एक और ओपन इंटरवल आपको ऐसा मिल रहा है जो इस पॉइंट 2 को कंटेन कर जाए। कहने का मतलब यह है 1.3 जो N था वो क्या है 1.3, और आपको चेक किस पॉइंट के लिए करना है, 2 के लिए। अब मैं अगर 1.5 से 2.5 का ओपन इंटरवल ले लूं, इसको I मान लूं, तो 1.5 और 2.5 का जो ओपन इंटरवल है, क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये I जो है N का सबसेट है या नहीं है, पहले चेक करिए। अब जो N है वो I को कंटेन कर रहा है, और ये जो I है क्या इस I में वो पॉइंट बिलोंग कर रहा है जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट की, वो पॉइंट बिलोंग भी कर रहा है। अगर ऐसा कोई ओपन इंटरवल आपको I मिल जाता है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि N इज अ नेबरहुड ऑफ 2। क्या है, किसी भी सेट को अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड चेक कर रहे हैं, तो नेबरहुड चेक करने के लिए आपको देखना है कि क्या उस ओपन इंटरवल के अंदर एक ओपन इंटरवल और आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखना है आपको, ओपन इंटरवल में यहाँ पर ले रहा हूँ, ये जो N है वो किसी भी फॉर्म का इंटरवल हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, सेमी क्लोज्ड ओपन भी हो सकता है, वो बाद में हम उसको देखेंगे। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये N इस 2 पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि N के अंदर क्या कोई ओपन इंटरवल आपको ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर वो पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस केस में ये जो 2 है, ये जो N है N सेट, इस 2 का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, अ सेट N ऑफ रियल नंबर्स, या हम कह सकते हैं कि ये जो सेट N होना चाहिए वो रियल नंबर्स का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो। अ सेट N ऑफ रियल नंबर्स इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P इफ, कब, जब इस P
पी को कंटेन करने वाला आपको एक ओपन इंटरवल क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, और ये आई क्या होना चाहिए, इस एन के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे कि ये जो एन आपको सेट दिया था, ये सेट एन क्या होगा, नेबरहुड होगा किसका, पी का। तो नेबरहुड आपको समझ में आया, नेबरहुड क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए और वो ओपन इंटरवल किसको कंटेन करे, पी को कंटेन करे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर ये डिलेटेड नेबरहुड में आते हैं। जैसे हमको पॉइंट दिया है 1 और सेट हमको दिया है 1,3 का क्लोज इंटरवल और ये एन दिया हुआ है। हमको चेक करना है कि क्या ये एन जो है इस पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है। तो आप देखिए जो इंटरवल आपको दिया हुआ है वो ये है, 1,3 का ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। अब आपको देखना है क्या ये जो इंटरवल आपको दिया हुआ है क्या ये 1 का नेबरहुड है या नहीं। अब अगर आप 1 को कंटेन करने वाला कोई भी एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल, कितना भी छोटा ओपन इंटरवल आप बनाओगे, क्या ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट बन रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सा ओपन इंटरवल है जो मैंने आई लिया हुआ था। इस केस में आप देखिए जो आई है, ये आई ओपन इंटरवल होगा, 1 को कंटेन भी कर रहा है, लेकिन ये जो ओपन इंटरवल हमको मिल रहा है ये इस एन का सबसेट नहीं आ रहा है। आप कितना भी छोटा ओपन इंटरवल 1 को कंटेन करने वाला ले लें, वो इस एन का सबसेट नहीं बन पा रहा है। और सबसेट नहीं बन पा रहा है तो आपको आई कोई भी एक ऐसा सेट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, और सेट नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब ये जो 1 है, ये जो इंटरवल आपको दिया हुआ है, ये इंटरवल इस 1 का नेबरहुड नहीं होगा। तो दो तीन चीज़ें एक यहाँ पे आपको क्या क्लियर हो रही है कि जब आप नेबरहुड चेक कर रहे हैं तो वो नेबरहुड ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो इंटरवल हो सकता है। नेबरहुड में जब आप चेक करेंगे तो वो जो नेबरहुड होगा उसके अंदर एक आपको एक सेट ऐसा मिलना चाहिए ओपन इंटरवल जो उस पॉइंट को कंटेन करे, और वो जो ओपन इंटरवल आपको मिलेगा वो किसके अंदर आना चाहिए, उस इंटरवल के जो इंटरवल आपको पहले से दिया हुआ है। फिर से दोबारा से देखिए आप, इस पी इस एन को, ये जो एन आपको इंटरवल पहले से दिया हुआ है, इस इंटरवल को आपको इस पी का नेबरहुड है ये प्रूफ करना है या चेक करना है। तो इस केस में इस पी को कंटेन करने वाला इंटरवल आपको देखना है ओपन इंटरवल। अगर ये ओपन इंटरवल जो आपको पी को कंटेन करने वाला मिला है अगर ये एन के अंदर आ जाए तो इस केस में ये जो आई ये जो एन होगा ये पी का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो ये नेबरहुड की बात हो गई। डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड क्या है, बहुत सिंपल टर्म है। जैसे हमने यहाँ देखा कि एन क्या है, एन इज अ नेबरहुड ऑफ पी। क्यों है नेबरहुड, क्योंकि पी को कंटेन करने वाला एक आपको ओपन इंटरवल ऐसा मिल रहा है जो किसके अंदर आ रहा है, आई के अंदर, सॉरी एन के अंदर। पी को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल आई मिल रहा है जो किसके अंदर आ रहा है, एन के अंदर। तो हमने एन को क्या बोला, नेबरहुड बोला पी का। अगर हम एन से पी को माइनस कर दें, यानी कि जो एन इंटरवल दिया था उस इंटरवल से आपने उस पी पॉइंट को ही हटा दिया, उस इंटरवल से पी हमने हटा दिया जो इस पॉइंट का वो नेबरहुड था, तो ये क्या हो जाएगा, इज अ डिलीटेड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी। यानी कि जिसका वो नेबरहुड है उस पॉइंट को इसमें से हटा दीजिए। अब जो पॉइंट हटा करके जो नया सेट फॉर्म होगा, जो इंटरवल फॉर्म होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। तो जिस पॉइंट का नेबरहुड है उस पॉइंट को उसमें से हटा देना है, वो डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। तो नेबरहुड वाला कंसेप्ट आपके समझ में आया, आप इसको बार बार रिपीट करके इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये नेबरहुड की बात हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो क्लोज इंटरवल है, अभी हमने क्लोज इंटरवल का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, वो क्लोज इंटरवल में हमने देखा था कि वो 1,3 जो क्लोज इंटरवल था वो 1 का नेबरहुड नहीं आ रहा था। अब अगर ये क्लोज इंटरवल 1,3, हम फिर से 1,3 में देख रहा हूं, ये 1 है, ये 3 है, ये कौन सा सेट है, ये एन दिया हुआ है। आपको ये चेक करना है कि क्या ये 2 का नेबरहुड होगा या नहीं होगा। सोचिए आप इसको, 2 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल आप देखिए, छोटे से छोटा क्या हो सकता है, 1.5 से 2.5 हो सकता है,
इससे भी छोटा ले सकते हैं आप, 1.9 से 2.1 भी ले सकते हैं। तो ये 2 को कंटेन कर रहा है। ये जो ओपन इंटरवल मिला है आपको, क्या ये उस इंटरवल के अंदर आ रहा है जो इंटरवल एन आपको दिया हुआ है? देखिए आप, ये जो इंटरवल आपने यहाँ पे लिया है ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एन है वो 2 का क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। ये क्या 1 का नेबरहुड था? 1 का नेबरहुड नहीं था। अगर मैं ऐसे ही 2.5 लेता हूँ तो 2.5 एन क्या 2.5 का नेबरहुड होगा? 2.5 को कंटेन करने वाला कोई भी एक ओपन इंटरवल आप देखिए, 2.4, 2.6, क्या ये इस एन के अंदर आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब ये इस केस में भी नेबरहुड हो गया। 1 का नेबरहुड नहीं था ये, बाकी इसके बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबका क्या है? ये नेबरहुड है। अब देखते हैं क्या ये 3 का नेबरहुड है। 3 को कंटेन करने वाला छोटे से छोटा ओपन इंटरवल आप देखो, सपोज मैंने ले लिया 2.9, 3.1, कोई भी ओपन इंटरवल आप 3 को कंटेन करने वाला देखिए, क्या ये 3.1 तो बाहर हो जाएगा। तो ये 3.1 जो है, यानी कि ये जो ओपन इंटरवल है ये इसका सबसेट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 का भी नेबरहुड नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है? सोचिए आप, इसमें जो क्लोज इंटरवल 1.3 हमने लिया था, उस 1.3 में हमने देखा कि जो 1.3 के बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स का ये नेबरहुड तो है, लेकिन ना तो ये 1 का नेबरहुड है ना ही ये 3 का नेबरहुड है। इट मीन्स अ क्लोज इंटरवल, अ क्लोज्ड इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। हर एक पॉइंट का नेबरहुड तो है, पर कौन कौन से पॉइंट छूट रहे हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं, ये इनको आप एंड पॉइंट्स भी कह सकते हो। तो ये तो पहला आपको प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये तो बात हो गई क्लोज इंटरवल की। अब ओपन इंटरवल में देखिए आप जरा, दूसरा पॉइंट ओपन इंटरवल मुझे दे दिया 1.3 का ही देख लेते हैं। आप देखिए, ये जो ओपन इंटरवल हमने 1.3 लिया हुआ है, ये 1.3 में ना तो 1 आ रहा है और ना ही 3 आ रहा है। एक पॉइंट आपको बहुत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जो ध्यान रखना है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी इंटरवल को चेक कर रहे हो किसी भी पॉइंट का, वो नेबरहुड है या नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या वो जो पॉइंट आपको, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, हमने कहा कि एन जो है वो पी का नेबरहुड कब था? जब पी को कंटेन करने वाला है आपको एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, और वो किसके अंदर आना चाहिए? एन के अंदर। यानी कि ये आई किसको कंटेन करेगा? पी को। तो इसका मतलब ये एन भी तो पी को कंटेन करेगा। तो एन को पी का नेबरहुड आप तभी करोगे जब ये एन जो है पी को भी कंटेन करे, इस पॉइंट को भी कंटेन करना चाहिए उसने। तो हम अगर इसको ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये 1.3 का ओपन इंटरवल, क्या ये 1 का नेबरहुड है या नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि 1.3 का जो ओपन इंटरवल है इसमें तो 1 आ ही नहीं रहा। ये जो n है इसमें तो i, ये जो n हमने सेट लिया हुआ है, इंटरवल जो लिया हुआ है, इसमें ना तो 1 आ रहा है ना तो 3 आ रहा है, क्योंकि ये कैसा इंटरवल है? ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती है, तो ना तो इसमें 1 आ रहा है ना ही 3 आ रहा है। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये ओपन इंटरवल 1 का नेबरहुड है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। और ऐसे ही ना तो ये 3 का नेबरहुड होगा, क्योंकि 3 भी इसके अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 1.1, 1.1 को कंटेन करने वाला कोई भी एक ओपन इंटरवल आप लीजिए, 1.01 ले सकते हैं और 1.5 ले सकता हूँ, क्या ये इंटरवल इस एन के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि जो ओपन इंटरवल होगा वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ उस इंटरवल के अंदर आती ही नहीं है, तो उन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को तो हम लेंगे ही नहीं नेबरहुड के लिए। तो इसका मतलब 1.3 जो ओपन इंटरवल है, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उन हर एक पॉइंट का ये सेट, ये जो इंटरवल है वो क्या होगा? नेबरहुड होगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? एन ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। पहले केस में हमने क्या देखा कि जो क्लोज इंटरवल है वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, लेकिन एंड पॉइंट्स को छोड़ करके। और ओपन इंटरवल में क्या है
वो ओपन इंटरवल जो होगा वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अभी तक हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इंटरवल का तो कंसेप्ट यूज़ होता ही नहीं है, और इंटरवल का कंसेप्ट यूज़ नहीं होता तो आप जनरली ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ इंटरवल का कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि वन के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या आएगा, टू आएगा, टू के बाद क्या आएगा, थ्री आएगा, तो बीच के जितने पॉइंट्स हैं रियल पॉइंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इंटरवल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के केस में कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप ले रहे हो तो वो यहाँ पर रियल एनालिसिस में वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। कौन, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। ये मैं आपको यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, ये दो पॉइंट मेन पॉइंट थे। तो ये हमने नेबरहुड के बारे में आज पढ़ा कि नेबरहुड क्या होते हैं। और अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने रियल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की बात करें, अगर मैं इसी के बाद रियल नंबर्स की बात करूं, रियल नंबर्स का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इंटरवल ही आपको इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे दिया। तो क्या ये किसी भी एक रियल नंबर आप ए ले लो, क्या ये इसका नेबरहुड होगा या नहीं होगा, इसको समझिए। आप फिर से वही कंसेप्ट लगाइए, इस ए को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल आप ले लीजिए, ए को कंटेन करने वाला छोटा सा ओपन इंटरवल में ले रहा हूँ, जैसे ये ए है, ए में एक छोटा सा नंबर आप एप्साइलन ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस एप्साइलन ये हो गया और ए माइनस एप्साइलन ये हो गया। ये छोटा सा ओपन इंटरवल है ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला छोटा सा ओपन इंटरवल आपने लिया ए माइनस एप्साइलन और ए प्लस एप्साइलन, क्या ये छोटा सा इंटरवल जो है रियल नंबर का सबसेट होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो ये तो एक छोटा सा सेट हमने इंटरवल लिया हुआ है। तो ये जो रियल नंबर्स का कलेक्शन है वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो ये नेबरहुड की आपको मेन मेन प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नेबरहुड आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, MSc में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है, और बाकी नेट वगैरह के एग्जाम्स में, गेट, बाकी अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है नेबरहुड। तो नेबरहुड को आप ध्यान से समझिए, इसके डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, कुछ न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप ये प्रॉपर्टीज याद रखें। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, कि क्लोज इंटरवल जो होगा वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा एंड पॉइंट को छोड़ करके, ओपन इंटरवल जो होगा वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, और ऐसे ही नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, रियल नंबर्स का कलेक्शन अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे का जो नेबरहुड के बाद के जो टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस में हम जल्दी उस वीडियो को लेकर के आएंगे आपके सामने।